और दुष्यंत भाई इसी तरह से लोगों को अवार्ड देते रहे। मुझे कभी स्कूल में अवार्ड नहीं मिला, बट यकीन मानिए जब से मॉडलिंग की है और एक्टिंग की है, जब भी मेरे हाथ में कोई अवार्ड आता है, बड़े भाई को बुलाऊंगा यहाँ पे, दुष्यंत जी को। लेकिन इससे पहले उनका मैं नाम लूं, मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जो शायद मैंने 18 साल के करियर में कभी नहीं देखी। एक ऐसा शो जिसने कि इंडस्ट्री के सुपरस्टार के शो को भी मेगा स्टार का शो, उस शो के सामने फीका पड़ गया। और उस शो में जो एक्ट प्ले कर रही थी मेन अंगूरी भाविका, वो मोस्ट पॉपुलर थी। और उसके बाद उस कैरेक्टर को रिव्यू पर शो को पहुंचा दिया शुभंगी अत्रे जी हमारे बीच में मौजूद। हमेशा की तरह हमें आशीर्वाद देने हमारे सनातन धर्म के देखा जाए तो ध्वजवाहक और शंकराचार्य परंपरा में हिंदुस्तान के सनातन धर्म में तीसरे सबसे बड़े पद का जो भी निर्वहन कर रहे हैं माँ मंडलेश्वर श्री मातनपुरी जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। तो आप हमेशा इस अवार्ड में आते हैं और आपके बिना लगता है अवार्ड के अवार्ड चले अपना, जब तक मेरी जान में जान है तब तक हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जीतने वाले आदरणीय समीर सेन जी हमारे इंडस्ट्री के कोई खूबसूरत ज्यादा हुए हैं कि ये ज्यादा खूबसूरत है मुझे ये समझ नहीं आता, लेकिन हमारी बहुत अच्छी दोस्त हमारी मेंटोर अर्चना कुशल जी यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे कराच श्री अमन जी यहाँ मौजूद हैं। लाइटिंग ऑफ लाइफ में हो रहा है। क्यों जी मैम क्या जगह है? मेरा अनुरोध इस कार्यक्रम को हम आगे शुरुआत करें। अरे यार, और रियली आई कान रितु जी, और आप सभी दिव्यात्माओं के चरणों में सादर नमन और प्रणाम। आज प्रेम की भी चर्चा होती है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सुरभित दिगंत हो गया, जीवन बसंत हो गया। आज मैं समझता हूं कि जिन्हें भी सम्मान मिल रहा है और जो इस सम्मान के साक्षी हैं, एक इतिहास का निर्माण देख रहे हैं। जिस क्षेत्र से लोग हैं, अभिनय से, अभिनय को मैं योग विद्या मानता हूं। जैसे योग विद्या में परकाया प्रवेश की व्यवस्था है, व्यक्ति दूसरे की काया में प्रवेश करता है, ऐसे ही अभिनय में भी तो आप दूसरे के चरित्र में प्रवेश करते हैं। और कलाकार शब्द का अर्थ जो मैं मानता हूं, जो कल को आकार दे वो कलाकार है। देखा जाए तो वो दो ब्रदर सिस्टर हैं, डॉक्टर खुशबू कादरी एंड डॉक्टर शाहिद सैयद। और अपने एंथुजियास्टिक तरीके से, उन्होंने जिस तरीके से समाज में सेवा की है लोगों की, उसका एक उदाहरण और प्रस्तुत करना मुश्किल है। दूसरे पायदान पर हैं त्विशा शर्मा जी, मॉडल एंड एक्ट्रेस, और आदरणीय प्रदीप जी इतने व्यस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वित्त विशेषज्ञ हैं, कि इनका समय मिलना बहुत मुश्किल है। और आज यहाँ पे आए तो मैंने सोचा अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम पढ़ते थे और उस गाने के चक्कर में हम लोग फिल्म देखने जाते थे। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले, हम लोगों के बिगाड़ने में आपका बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, और आपको वी आर द फैमिली इन फिल्म म्यूजिक सैन फैमिली। जैसे राज कपूर की फैमिली है चार पीढ़ियों से, वैसे ही हम आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। तेरा नाम है तुझे चाहना, मेरा काम है जानम, आई लव यू।
Jana, I love you, you love me. Okay? Thank you so much. आपकी आवाज सुनना तो बनता है इस अवार्ड. नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. अरे वाह, किसी एक में आगे कुछ करते रहें. और मैंने जैसे इनको बाहर थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया था कि 400 साल और हम आपके साथ हैं. क्या बात है, बहुत जिएंगे. ये तो चौथा साल है, हम लोग 400 साल आपके साथ हैं. थैंक यू. किसी भी अवार्ड को मिलना ऐसा लगता है कि आपको प्रोत्साहन है कि आप थोड़ा और कुछ कर सकते हो, कुछ और ज़्यादा कर सकते हो. तो ये प्रोत्साहित करता है हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए. जैसे मुझे बहुत सारे कैटेगरीज में मिला है, बिकॉज आई बिलीव इन डूइंग ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू टिल यू आर लिविंग. बिकॉज हम लोग जब तक जी रहे हैं तब तक सीखें तो ज़्यादा बेटर है. तो हम जी रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं जी रहे हैं. सो सीखते रहिए, ये मैं कहूँगी. तो ये पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, तो इसको ऊपर और आगे बढ़ना है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एक सर रुको. टॉप 50 आइकन्स ऑफ इंडिया, उसमें समीर सेन सेन परिवार को अवार्ड दिया गया. आई एम बहुत खुशी की बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू दुष्यंत जी, आपने इस लायक हमको समझा और आप जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, गो ऑन मैन, टेक केयर. सर एक मिनट, एक विजुअल कर लो. सर आपका वो सबसे पहले तो आज वैलेंटाइन के दिन मैं इस अवार्ड को प्रेम का प्रतीक मानता हूँ, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन मिला है. और दूसरी बात, दुष्यंत कॉरपोरेशन का वाकई ये बहुत अच्छा कॉरपोरेशन चल रहा है, अपने आप में एक कॉरपोरेशन मूवमेंट है. और मैं चाहता हूँ वो जैसे इन 4 साल कॉरपोरेट किए हैं ऐसी कॉरपोरेट करते रहे. सबसे हमारे यहाँ बहुत बहुत अनगिनत महानुभव कलाकार है और ऐसे ही वो सबको देते रहे. और वाकई ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा लगता है जैसे अपनों से ही अपने को अवार्ड मिला है. तो वाकई मैं खुशी के मारे कद-कद हो चुका हूँ. ओके, थैंक यू सर. आपकी हंसी इतनी अच्छी हो कैमरे में नहीं लग करेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, इसलिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया. अवार्ड पाने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप अपना कार्य और बेहतर तरीके से करें. किस कैटेगरी में मिला आपको ये अवार्ड? ये कविता के क्षेत्र में मुझे मिला है. हाँ बिल्कुल, आज जैसा कि प्रेम दिवस भी है और मैंने वहाँ भी सुनाया कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ. सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ. मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ. मोहब्बत मेरी नज़रों में बड़ी शह है, मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती हूँ.
हाँ जी, टॉप 50 आइकॉन अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुश हूँ। अपने काम के लिए जब प्रोत्साहन मिलता है तो और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और एनर्जी मिलती है कि अच्छा काम करें। सो थैंक यू सो मच दुष्यंत कॉरपोरेशन और आप सभी ज्यूरी मेंबर्स का जिन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। जी जी नहीं, वैलेंटाइन डे प्यार का दिन तो प्रेम दिवस तो मुझे लगता है हर दिन होता है, वो तो हम चलिए एक दिन मना लेते हैं, जैसे हर दिन नया जन्म होता है, नया हम बर्थडे तो एक ही दिन मनाते हैं, बट ये प्रेम दिवस है। ढेर सारा प्यार लोगों के बीच रहे, लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और भाभी जी देखते रहिए, उससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। की वॉचिंग। जब से ये इंडियन टॉप 15 अवार्ड जो शुरू हुआ है दुष्यंत भाई का, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये अवार्ड आई थिंक 3 से 4 बार मिल चुका है और आज वैलेंटाइन डे स्पेशल डे है तो हर एक को उसकी शुभकामना है। और एक्चुअल में मैं आज वैलेंटाइन डे मना ही ना पा रहा हूँ, ओवर ऑक्यूपाइड हूँ बिजनेस में, प्लस मेरे विजिटर्स बहुत बारगांव से आए और मैं अभी शादी में भी जाना है, अवार्ड भी है, 2-3 इवेंट्स भी है, तो अभी रात को जाके मैं मेरी वाइफ के साथ वैलेंटाइन डे मनाने वाला हूँ, तो आज का दिन सबको ओवर का। हाँ, वाइफ के साथ ही और क्या है। चलो यार अभी इससे अच्छा वैलेंटाइन डे कहाँ मनाऊँ मैं जहाँ पर अवार्ड मिल गया। पहले तो ये सोच रहा था कि मैं वैलेंटाइन डे के दिन अवार्ड शो कैसे हो सकता है, बट आ गया तो अच्छा लग रहा है। एंड यस, वैलेंटाइन डे तो अपने मम्मी के साथ मनाऊँ मैं तो अच्छा रहेगा। वैसे आई डोंट बिलीव इन यू नो वैलेंटाइन एंड ऑल, बढ़िया अच्छा अगर प्यार का दिन है तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। मैंने मम्मी को सुबह ही पूछ लिया कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। बहुत सारी यादें ऐसे, मुझे वैलेंटाइन डे के दिन लोगों को छेड़ना बहुत पसंद था, जैसे जो भी कपल बैठे होते थे मैं पीछे से बोलता था तेरी मम्मी का नाम और भाषा लड़कियाँ यूँ 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 लड़के ऐसे करते। सो वो मेमोरी है जो दोस्तों के साथ की है मैंने। हमला भी होता जी सी, आज जितनी भी खुशी मना लो एक गम हमारे साथ हमेशा रहेगा। जो पुलवामा अटैक हुआ था ऑब्वियसली सब इतना खुश थे, अचानक से फिर न्यूज़ सुनने के बाद में सबका मूड ऑफ हो गया, इनफैक्ट यू नो घर में मेरे भी सबका। सो जब भी एक जवान पर बात आती है ना तो सबको बुरा लगता है, फिर चाहे वो कैसा भी इंसान हो उसे बुरा लगता है। तो मुझे भी एक टाइम पर मैं ऐसा था कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे भी जाना है। सो आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई होप कि उन सभी की रूह इंशाल्लाह सुकून से रहे और उनके फैमिली की सही सलामती हो हमेशा। जी लगता है टॉप 3 आसम ले लो, सदा शुक्ला एंड शहनाज, सॉरी हरी पढ़ने वाले हैं सबका, और कोई बचा ही नहीं है। थिंक इन तीनों में से विनर होगा और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सदा शुक्ला इज गोना विन, बट आई डोंट नो। ओके
देखिए सबसे पहले तो दुष्यंत जी को बधाई 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 और बधाई बधाई, पांच छह चीज़ों के लिए इकट्ठी बधाई मैंने दे दी। दुष्यंत जी बेसिकली मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, बहुत सालों से दुष्यंत जी से मेरी जान पहचान है। जब ये पहला अवार्ड हुआ था तब भी मैं आया था और मुझे अवार्ड मिला था। अब मुझे ज्यूरी का मेंबर बनाया गया है तो हर साल इस अवार्ड से मेरा संबंध बना रहता है, मैं आता हूँ। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि दुष्यंत जी ने जो अवार्ड जो रखा है बहुत यूनिक किस्म का अवार्ड है, बहुत प्यारा अवार्ड है। बहुत प्यारा इसलिए है कि जैसे आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में से लोगों को लेते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक से रिलेटेड, नहीं, म्यूज़िक से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड, राइटर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, समाज सेवक, पॉलिटिशियंस, है ना, ज्योतिष, हर तरह से, मतलब हर तरह के लोगों को बुलाकर सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। और दूसरी बात, दुष्यंत भाई क्या बेसिकली बहुत जुझारू किस्म के इंसान हैं, मैं इनको वन मैन आर्मी कहता हूँ। ये सब कुछ करते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, अभिनय भी किया फिल्म में है और फिल्म बनाई, और बहुत कम समय में, बहुत कम बजट में बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो उस फिल्म के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फिल्म का मैं भी हिस्सा होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, डेट की प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, अगली फिल्म करूँगा और एक क्या बहुत सारी फिल्में करूँगा दुष्यंत भाई के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, मेरी शुभकामनाएं दुष्यंत भाई के लिए एक बार फिर से। गॉड ब्लेस, थैंक यू। मैं तो यहाँ पे भी अपने फिल्म का प्रमोशन करने आई हूँ का, बिकॉज ये अवार्ड जो है वो 50 ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने अपने अच्छे काम का स्टार्ट किया है अभी, तो मैंने सोचा चलो हमारे फिल्म का एक प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पे, जो इतने सारे लोग आ रहे हैं और हमने ऐसा कोई जगह छोड़ा नहीं है जहाँ पे फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ है, तो ये कैसे छोड़ देते। अवार्ड के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये मतलब ऐसे अवार्ड होने चाहिए जो कि आप वो बोलते हैं ना कि जब कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसको रिजल्ट दिया जाता है कि नहीं, उसको मोटिवेट किया जाता है कि तुमने कितना अच्छा किया, तो वैसे ही अवार्ड है। कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी इंसान हो, डॉक्टर भी, जितने लोगों को अवार्ड मिल रहा है चिकित्सा क्षेत्र से जो भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है आगे करने को, और इतने लोगों के बीच में जब सम्मानित करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो जब आप मोटिवेशन मिलता है लोगों को तो हमारे इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया हो या कोई भी जगह हो, उनको और अच्छा करने का, और उसमें हमारे एक इंडिया का नाम भी है, जो हमारे इंडिया से लोग जो बाहर काम कर रहे हैं तो वो नाम अपना पैदा किया है उन्होंने, तो उनको सम्मानित करना बहुत अच्छी बात है। दुष्यंत भाई से बहुत अच्छा प्यार है मेरा, सो ही इज ऑलवेज लाइक माई बिग ब्रदर टू मी, और 4 साल हो गए हैं अवार्ड्स को एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट थिंग कि लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, कलाकार को एक मोटिवेशन के तौर पे एक अवार्ड देके उनकी कदर करते हैं उनके काम की, सो ही इज डूइंग अ रियली ग्रेट थिंग एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज मूवी विच इज 100 bucks एंड आई होप सो आई होप आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड आई रियली कांग्रेट्स हिम बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट मूवी, सो आई विश कि बहुत तरक्की करे, और आज एक बनाई मूवी है, कई कल कई मूवी बनाए, और उम्मीद करता हूँ कि तरक्की करे लाइफ में बहुत ज़्यादा। वैलेंटाइंस डे के दिन रखा है और बहुत अच्छे अवार्ड हैं, और दुष्यंत जी को मैं हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से जानती हूँ, और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने और बहुत अच्छे से काम किया है, और ये बहुत मुश्किल है कि 50 लोगों को इकट्ठे करना, वो भी ऐसे लोग जो अपने अपने फील्ड में सब यू नो एब्सोल्युटली सुप्रीम पीपल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड उन्होंने आज तक बायस नहीं किया है, हमेशा जो जस्टिफाइड है उन्हीं को अवार्ड्स मिला है, सो मैं उनके साथ हमेशा से हूँ। इस बार मैं अवार्डी नहीं, इस बार मैं ज्यूरी मेंबर हूँ एंड आई एम सो प्राउड टू बी द ज्यूरी मेंबर ऑफ दिस। कोई भी अवार्ड जो है ये बताता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कला के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में। जब आपको अवार्ड मिलता है तो आपको जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में आप और अच्छा काम करें। जिनको भी मिला है मैं उन्हें बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो लोग आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते रहेंगे। मैं दुष्यंत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज के समय में
इस तरह का अवार्ड कि जो अलग अलग क्षेत्रों में मिलता हो वो ऑर्गेनाइज करना और उन लोगों को यहाँ बुलाना मुंबई के अंदर और उन्हें अवार्ड देना, ये दर्शाता है कि कितनी मेहनत और लगन से दुष्यंत जी ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। वो बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में, ये चौथा अवार्ड है, मुझे भी पहला अवार्ड मिला था और एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है कोई भी अवार्ड, तो मैं उन तमाम अवार्डीज को बधाई के लिए बधाई के पात्र हैं। देखिए पुलवामा हमले को आज एक वर्ष हो गया और बड़ा दुख का विषय था जब हुआ था और सरकार ने भी उसके लिए कई कदम उठाए हैं और ये जो नौजवान हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं दिन रात, हमारे लिए सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो किसी भी तरह का मौसम हो किसी भी तरह का समय हो, हर वक्त एकदम मुस्तैद रहते हैं। मुझे लगता है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए उनके ऊपर और उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। मैंने तो ये कई बार प्रपोजल सरकार के सामने भी रखा है कि आने वाले समय में इनकी शहीदी की जो कीमत नहीं होती कोई भी कर्ज है इस देश के ऊपर, वो कर्ज की जो कीमत है जो वो और बढ़ानी चाहिए और इनके नाम पे कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिनके नेटिव प्लेस में कि इनकी यादगार जो है हमेशा बनी रहे, कोई स्कूल हो कोई यूनिवर्सिटी हो कोई द्वार हो कोई और भी कोई ऐसी जगह हो जो वहाँ के निवासियों को प्रोत्साहित करे कि भाई आने वाले समय भी हम भी तैयार हैं इस देश के लिए। इनके परिवार जनों को जो है वो सुविधाएं दी जानी चाहिए जो उस व्यक्ति के रहते हुए उन्हें मिलती थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा देनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जो है इस वक्त अच्छा काम कर रही है और मैं उन सबको सलाम करता हूँ, उन जवानों को जिन्होंने, देखिए हमको कभी भी कोई छोटी सी भी चोट लगती है तो हमको कितना दर्द होता है, लेकिन सीमा पे बैठ के अगर अपने शरीर के अंदर से गोली जब पार होती है उस -20 डिग्री में -40 डिग्री में, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। मैंने कई लेख पढ़े हैं जवानों के, उनके लिखे हुए, वहाँ उन जर्नलिस्ट के जो वहाँ ट्रैवल करते हैं उन हालात में, बहुत ही तकलीफ का काम है, लेकिन बगैर शिकायत किए हुए ये जवान जो है हमारी रक्षा के लिए हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं, उनके परिवार को नतमस्तक होता हूं और आज के दिन उन्हें फिर एक बार याद करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धांजलि उन्हें पेश करते हैं। सर सबसे पहले तो दुष्यंत कॉर्पोरेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस लायक समझा कि टॉप 50 2019 में मेरा नाम शामिल किया। कुछ काम हमारे पुराने हैं, जैसे हम मीडिया बंधु हैं तो हम भी मीडिया का एक हिस्सा रहे हैं, साथ में SNPR बहुत काम किया, इवेंट्स बहुत किए हैं, तो उस इवेंट और PR के जो काम हमारे ये हुए थे उनको उन्होंने सराहा, उन्होंने देखा समझा कि इस लायक हैं कि आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया गया। तो मैं दुष्यंत कॉर्पोरेशन को, दुष्यंत जी को, मेरी फ्रेंड दिव्या जिन्होंने इस लायक मुझे समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे इस अवार्ड के लिए इतना सपोर्ट किया। मेरे पुराने दिनों में जब मैं PR रहा हूँ, PR किया है इतना, इतने इवेंट्स किए, तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, मेरे साथ काम किया है, मेरी न्यूज़ को बहुत सराहा है, मेरी न्यूज़ को बहुत आगे तक ले गए हैं। तो उसी का नतीजा है कि आज मैं इस अवार्ड के लिए हूँ, तो मेरे साथ आप सब भी इस अवार्ड में शामिल हैं। तो ये अवार्ड मैंने अकेले ने नहीं लिया है, ये आप सब ने मिल के लिया है, तो शुक्रिया आप सब लोगों का। वैलेंटाइन डे है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और ये अवार्ड मिला है मुझे टॉप 50 इंडियन आइकॉन, सॉरी टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स। सो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी दुष्यंत जी को फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। एंड बेसिकली मेरी फिल्म आ रही है ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स,
और उस फिल्म में मेरे साथ में कृष्णा हैं, जयराम कार्तिक हैं, कृष्णा अभिषेक और अनुस्मृति सरकार हैं, अखिलेंद्र मिश्रा और जिमी मोसेस और मेलिसा पेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और मैं गुजारिश करती हूँ कि सब लोग मेरी फिल्म 28 फरवरी 2020 को रिलीज़ हो रही है, तो सब लोग मेरी फिल्म देखें और थैंक यू वेरी मच। और बाकी मेरी फिल्म का नाम है ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, जिसमें हाँ ये जोहरा मुगल हैं, शी इज़ माय सिस्टर, इन्होंने मेरे कॉस्ट्यूम्स भी किए हैं इस फिल्म के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट माय फिल्म। एंड जो हमारे देश में पुलवामा में जो हादसा हुआ उसके लिए मैं सबको नमन करना चाहती हूँ। और दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, भारत देश नहीं संदेश है, और पूरी मानवता का जो संदेश भारत का मूल रूप से है वो सभी के सभी में प्रेम का बांटना, प्रेम का देना। और दुष्यंत जी जो कर रहे हैं निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य है, और जिस प्रकार से प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं, प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं, यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पुलवामा के शहीदों को हम अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प व्यक्त करते हैं हर नागरिक, हर व्यक्ति तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक इस धरती पर आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। जी जी रेडी सर, क्या कहेंगे, चौथा संकल्प सक्सेस रहा, वैलेंटाइन डे भी है। वैलेंटाइन डे तो प्रेम दिवस है, और इस दिन पे हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों का सम्मान करने का मौका मिला, तो मेरे ख्याल से इस दिन की इससे और अच्छा एंटरटेन नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आनंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ ब्लेसिंग्स रहती हैं, और उनकी छत्रछाया मैं बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो आई एम डन हैप्पी। 50 में कौन कैटेगरी, क्या कैटेगरी? हम लोग ये इंडिविजुअल्स लोगों को अवार्ड करते हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो काम किया होता है, तो कैटेगरी वाइज तो जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने यहाँ देखा पत्रकार भी थे, समाज सेवक भी थे, सारे हम लोग कॉरपोरेट हुए, पत्रकार जगत से हुए, लेखन से हुए, एंटरटेनमेंट से हुए, तो कोशिश करते हैं कि जिस क्षेत्र में जिन लोगों से मुलाकात हो, जो समाज के सामने एक नज़ीर पेश करते हैं, उनको हम सम्मान दे सकें, चाहे वो नए हो, उभरते हुए हो या इस्टैब्लिश हो। क्या चेंजेस पाए चार साल में, क्या चेंजेस किए? कोई चेंज नहीं, लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, अब सबका प्यार बढ़ता जा रहा है। पहले मैं देखता था, पहले सीजन में 3-4 ही जर्नलिस्ट आए थे, और अब इतने सारे बॉस लोग आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। अच्छा, फिल्म रिलीज होने वाली एक हफ्ते बाद, एक्साइटमेंट में है अंदर? हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ अंदर ही अंदर, पर ऊपर से हंस रहा हूँ सबके सामने, और मुझे लग रहा है पता नहीं 21 को क्या होगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे अब तक ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही हैं, ये फिल्म भी बनना अपने आप में एक मिरेकल है, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस के लिए होगा, बिकॉज आई एम नॉट कैपेबल टू डायरेक्ट एनी फिल्म और किसी भी को रिलीज़ करना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कैलिबर था, बट वो हो रहा है, तो शायद कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, और हमारे साथ जो हमारे जो बॉस लोग हैं इंडस्ट्री के, वो खड़े रहते हैं, तो ये उनके नाम का ही फर्क। सर, गाजियाबाद में जो हमला, जो बात हो रही है फिल्म बैन करने की, कह रहे हैं बैन कर देंगे, मेरी फिल्म में कुछ ऐसा है ही नहीं, और अभी तक मेरे पास कोई किसी का फोन आया नहीं। मीडिया में सारे पेपरों में न्यूज़ हैं कि 100 बक्स के खिलाफ प्रदर्शन हुए, सारे बड़े पेपर में, सारे चैनल्स में, बट मेरे पास अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं, तो मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ, मेरे मतलब समझ से बाहर की बात है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, ये ऐसी फिल्म है, आप अपनी मम्मा के साथ, आप अपनी सिस्टर के साथ, आप अपनी बिटिया के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप देख सकते। पोस्टर फाड़े गए हैं और नारे लगे गए हैं, एक गंदी गाली गलौज वगैरह फिल्म में? नहीं, गाली गलौज नहीं, एक्चुअली मैंने, क्योंकि फिल्म टैबूज पे आधारित है, बट सेंसर कराते समय जो जो उनकी गाइडलाइन है हमने उनका पालन किया, और मैं कोई भी ऐसा ऑफबीट सब्जेक्ट नहीं बनाता, मेरी बिटिया के एल्बम पे है ये, और श्रीलंका के जो अभी प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी महिंदा राजापक्षा, उन्होंने इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, तो मैं ऐसा कोई काम क्यों करूँगा? कि ऐसी आनंद जी जैसी शख्सियत, कितने हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे खड़े रहना तो दूर, मुझे अपने पास बुलाएंगे नहीं ये लोग, तो ये सब जो चीज़ें वो हमारी समाज से बाहर की बात है। तो मैं कोई नहीं नहीं मैं इतना बड़ा थोड़ी हूँ कोई षड्यंत्र रचेगा मेरे खिलाफ, मेरे को सच्ची में नहीं मालूम कोई षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं कि अब मैं क्या बोलूँ इस पर, अगर कुछ ऐसा आएगा तो डेफिनेटली, हमें तो अभी तक ना कोई सरकार से नोटिस आया, उसमें बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा लोगों ने, बट हमारे पास ऐसा अभी तक कुछ भी आया नहीं ऐसा कि जिस तरह की बात।
सब लोगों में हमला भी हुआ था आज शहीदों को। सबसे दुख वाली बात है, उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हतप्रभ है और हम लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन आप सोचो उनके परिवार जो है, जब चला जाता है कि परिवार का हिस्सा, मेरे परिवार से मेरी माँ नहीं रही, मेरे बड़े ब्रदर बहुत जल्दी चले गए थे, तो मुझे पता है वो दुख क्या होता है। तो मुझे देश और राष्ट्रभक्ति से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि जो उनके जो परिवार हैं उनका जो दुख होगा, उस दुख में हम अगर खड़े हो सकते हैं किसी भी तरीके से तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, बहुत गंदी कायराना हरकतें होती हैं, पीठ पीछे वार करना, अचानक से वार करना, ये सब कायरों के काम होते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं फिर श्रद्धांजलि, राष्ट्र हमारा खड़ा हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये तरक्की ये सब इसी तरह से चल रहा है। सर क्या कहेंगे अवार्ड के बारे में? ये अवार्ड दुष्यंत जी 4 साल से कर रहे हैं और मेरा छोटा भाई दुष्यंत है, ये अवार्ड पिछले 4 साल से इस्कॉन में ही हो रहा है, कृष्ण की भूमि में हो रहा है। कृष्ण ने जो प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया था वही काम दुष्यंत कर रहा है। दुष्यंत भी प्रेम का संदेश सब दुनिया में फैला रहे हैं, उनके प्रेम से सब लोग यहाँ आ जाते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन 4 साल से 50 लोगों के मंच पे ले आना, मतलब 50 लोगों का अवार्ड देना साहब बहुत बड़ी है। 4 साल में 200 लोगों को अवार्ड दिया है, बहुत बड़ी बात है कि आपने 200 लोग समाज से निकाले हैं, जो अलग अलग विधाओं में जिन्होंने एक्सेल किया है वो खोज के निकाला है, उनको बॉम्बे बुलाना, उनको रखना, उनको अवार्ड देना, उनका मान सम्मान करना, इससे बड़ी बात क्या। फिल्म भी आ रही है, ये है मुंबई मेरी जान, दैट्स अ नाइस सॉन्ग। तो मुंबई में अभी देखा फिल्म, इंटरेस्टिंग लग रही है, ऊपर जो फिल्म रिलीज करेंगे तो उसमें हम लोगों को बताएंगे। थैंक यू सर। अवार्ड के बारे में खास बात करें, ये 4th सीज़न है हमारे टॉप 15 इंडियन आइकन अवार्ड का, जैसा कि आप सभी जानते हैं हर बार बहुत ही सफलता के साथ और बहुत खूबसूरती से ये अवार्ड अपने सफलता के सोपान चढ़ता जा रहा है, और निश्चित ही आज का सीज़न बहुत ही अच्छा था। इसमें ऐसे कुछ चुनिंदा 50 लोग हम लोग देश भर से चुनते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और अपने कार्यों से लोगों का दिल जीतते हैं, उनका कार्य निश्चित ही प्रशंसनीय होता है, साथ ही अनुकरणीय भी होता है। लोग उनको अपना मेंटर मानते हैं, उनको ये मानते हैं कि ये हम भी इनकी तरह बने। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि इसमें बहुत सच्चा प्रयास करें और सच में जो हकदार है इस अवार्ड के उनको ही देश भर से चुनकर लाएं और आज उनको सम्मानित किया जाए। वेलेंटाइन डे भी है जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है, ये सौभाग्य की बात है कि आज प्रेम दिवस के अवसर पर हमारा ये अवार्ड हो रहा है। ये भी हमारा उन लोगों के प्रति एक प्रेम ही है, प्रेम के कई तरीके होते हैं प्रेम दर्शाने के, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 14 फरवरी के दिन हम ये अवार्ड कर रहे हैं। थैंक यू। या ऑफ कोर्स आज वैलेंटाइंस डे है, प्लस आज शहीद दिवस भी है, सो टॉप 15 आइकन अवार्ड्स आज हुआ, इट्स रियली प्लेजर कि आज के दिन हुआ बिकॉज हमें एक उन्हें रिस्पेक्ट करने का भी मौका मिला, प्लस ये 4th सीज़न है हमारे अवार्ड्स का, तो आई एम रियली हैप्पी एंड मेन मैं इसीलिए हैप्पी क्योंकि मेरी बुक पे जो मूवी आ रही है 100 बक्स उसका आज प्रमोशन हुआ है एंड क्योंकि मैंने वो लिखी है तो मेरी बुक का लॉन्च हो रहा है 16 फरवरी को और हमारी मूवी आ रही है 21 फरवरी को। आई रियली वांट आप सब लोग देखें एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। क्या है बुक में, क्या है मेरी जो बुक है उसमें एक मैंने एक बहुत सेंसिटिव से हमारे वर्क को छूने की कोशिश करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ऊपर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लड़कियों का एम्पावरमेंट की बात करते हैं बट उन्हें सच में नहीं सपोर्ट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, तो हमें लड़कियों के हर क्षेत्र को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ऊपर लाना चाहिए, तो मेरी बुक भी उसी के ऊपर है कि हाँ हम लड़की को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। आपने बुक लिखी है या दंगे वगैरह हो रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, फिल्म को बैन करने की बात हो रही है? हाँ ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि जब बोलना होता है तो वो लोग ज़रूर वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं बट जब पॉइंट आता है कि हाँ हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी और औरतें हैं जो अभी तक ऊपर नहीं आई हैं और जब उनको ऊपर लाने का मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं, दंगे करते हैं, हम उनको अपोज करते हैं, तो इसीलिए ये तो बहुत आयरोनिकल है कि हम सपोर्ट करने के बजाय हम उस चीज़ को रोक रहे हैं, तो आई रियली डोंट केयर अबाउट देम।
उन्हें समझना चाहिए कि नहीं आपको आपके घर में भी स्त्रियां हैं और जो बाहर हैं स्त्रियां उनको भी किसी ना किसी रीजन से वहाँ पे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करके आगे लाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, मैं खुद उनको एक लेटर लिख दूंगी कि एक्चुअली मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत समझदार हैं ऑफकोर्स, तो सर को पता है क्या सही है क्या गलत है एंड उन पर तो हमारी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो ऑफकोर्स हमें सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम उस क्षेत्र को ऊपर ला रहे हैं जिन पर शायद अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो हमने बहुत हिम्मत करी है उस क्षेत्र को ऊपर लाने की। थैंक यू।